हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। देखिए दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको टॉप जीके के 500 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और आगे चल के हम 100 क्वेश्चन की भी वीडियो लेके आएंगे। ये क्वेश्चन MTS एग्जाम जो आपका आने वाला है 2 अगस्त से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, साथ ही साथ रेलवे के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं 500 की जगह मैं 1000 क्वेश्चन कवर कराऊं आपको और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं 1000 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी ग्रुप अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, फिर मैं आपको 1000 क्वेश्चन कवर करा दूंगा। अगर मेरे को लगा कि हाँ, आपका सपोर्ट एकदम रियल है और आप चाहते हैं कि 1000 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊं। चलिए, आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कल के टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। इसका सही आंसर होगा 1921 से 1927 के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिक्किम कब भारत का राज्य बना? देखिए, सिक्किम भारत का राज्य बना था 1975 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भी आंसर आपको पता होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। टेस्ट के एंड में अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिए, अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने 50 में से कितने सही किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व होता है 1000 किलो घन मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, पानी का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लिथियम, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है वेक्टर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के मध्य में स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा अमृत सरोवर झील, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? इसका सही आंसर है केरोसिन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, बट ये क्वेश्चन कई बार आया है, एक बार तो MTS में आया, रेलवे में भी आया है ये। इसका सही आंसर रहेगा 14। ठीक है, क्योंकि भाई कोई किसी दूसरे देश का झंडे को पढ़ सकता है, उसकी कैपिटल करेंसी को पढ़ सकता है, बट उसके झंडे में कितनी लाइन है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसका सही आंसर 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आप लगा रहे हैं यहाँ पे मराठा, तो वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, चलते लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? देखिए, चलती लिफ्ट, अब चलती लिफ्ट ये तो नहीं बताएगा ना कि ऊपर को चलती लिफ्ट, नीचे को चलती लिफ्ट। अब यहाँ पे वजन ऊपर को जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे को आएगा घटेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बढ़ या घट सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों, कोक से बने सेल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? इसका सही आंसर है फायान, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको भी पता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो ये मौजूद था दोस्तों असम राज्य में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को देखने के बाद में अपने दोस्तों को शेयर करके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? देखिए, दो आपस में हड्डियां जुड़ती हैं लिगामेंट से, यानी कि अस्थिबंध। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, दबाव को किससे मापा जाता है? तो दबाव को मापा जाता है दोस्तों बल एवं क्षेत्रफल से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला ये शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूटान की राज्य भाषा कौन सी है? अच्छा, भूटान की राज्य भाषा बहुत बार पूछी जाती है, इसका सही आंसर होगा जोंखा। ठीक है, और भूटान की राजधानी आप सभी को पता होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। तो भूटान की राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1950, यानी कि 28 जनवरी 1950 को ये इस्टैब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो देखिए, सफ़ेद जो आपका रेगिस्तान है वो है आपका गुजरात में। ठीक है, कच्छ का जो रण है उसे सफ़ेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 12। 12 नदियों को भारत सरकार ने प्रमुख नदियों में वर्गीकृत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? देखिए, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप है आपका कनाडा देश का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों, ये प्रस्तावित किया गया था 1905 में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन है कार्बन का अप्रूप, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
यूरी गागरीन जो था ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? जो शिक्षा का अधिकार है वो कब फंडामेंटल राइट बना था दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा अप्रैल 2010 में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, तो मेरे हिसाब से कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार एसएससी एमटीएस में भी कई बार आ चुका है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? ये होता है दोस्तों लीवर में, यानी कि यकृत, लीवर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है? देखिए इसका सही आंसर रहेगा उत्कर्ष गैसेस। ठीक है, उत्कृष्ट गैसेस जो है आपकी, देखिए जैसे हीलियम होगी, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया, रेडोन हो गया, ये सारी आपकी उत्कृष्ट गैसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा मिथेन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अभ्यारण को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण के रूप में जाना जाता है? तो ये है दोस्तों आपका केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 है, आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, लाल मिट्टी का खेती करना कठिन है क्योंकि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, जिसमें जल रुकने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है, यानी कि अगर पानी से में भर दिया जाए तो निकल जाता है साइड से ऐसे करके, तो यही इसीलिए कठिन होती है खेती करना लाल मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए मौलिक कर्तव्य कई बार पूछे जाते हैं, इसका सही आंसर रहेगा रूस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? इसका सही आंसर रहेगा चंपारण मूवमेंट, ठीक है, बिहार में ये चला था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? इसका सही आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का क्या अर्थ है? तो सदन का नेता का अर्थ है
प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट आपका हो गया है, ये आपका रहेगा 1950 यानी कि 28 जनवरी 1950। भाई एक छोटा सा यहाँ मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, 28 जनवरी है 26 जनवरी है, एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा, 1950 तो है, ठीक है। इसमें ये मत बोलिएगा मेरे को, कमेंट करिएगा कि सर आप कन्फ्यूज कर रहे हैं, ये मैंने आपको काम दिया, एक बार सर्च करिएगा गूगल पे कि कौन से इनमें से राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे, तो देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद तो थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इनके साथ में।